दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शकुंतलम के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक माइथोलॉजिकल फैंटेसी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में समंता रुद्र प्रभु लीड रोल में नजर आई थी। उनके अलावा इस फिल्म में देव मोहन, सचिन खेड़कर, मोहन बाबू, अदिति बालन, अनन्या नगाला और प्रकाश राज नजर आए थे। इस फिल्म को गुना शेखर ने डायरेक्ट किया था। अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1300 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरसीज में लगभग 500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1800 स्क्रीन्स के साथ 14 अप्रैल 2023 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 3 करोड़ 4 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 6 करोड़ 49 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 8 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने हिंदी में 1 करोड़ 85 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था तो 9 करोड़ 30 लाख का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन किया था और 11 करोड़ 60 लाख का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 2 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 14 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 40 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.7 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।